नमस्कार साथियों, प्यारे छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे हाइपरबोला के बारे में। उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये जो डायग्राम है ये हाइपरबोला का है, इसको हम समझेंगे। तो प्यारे छात्रों, देखो, जिस प्रकार से हमने पैराबोला की परिभाषा पढ़ी जी, उसी प्रकार से दीर्घवृत्त की परिभाषा पढ़ी हमने, और इसी कड़ी में हम बात करेंगे अति परवलय की परिभाषा। देखो, दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या कह रही थी कि एक मूवेबल पॉइंट यदि हम ये लें, ये मान लीजिए पी ले लिया, और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एक्स वाई। इस पॉइंट पी की यदि उसकी नाभि से दूरी और इस पॉइंट पी से उसके नियता पर डाले गए लंब की लंबाई का यदि अनुपात लें, यदि उसकी वैल्यू किससे कम आए, एक से छोटे आए, तो हम तो बोल रहे थे उस जो डायग्राम आएगा, जो बिंदु पथ आएगा, उसको हम क्या बोल रहे थे, दीर्घवृत्त बोल रहे थे। बट यहाँ पर केस उल्टा होगा उसका। यदि इस मूवेबल पॉइंट की इस बिंदु एस से दूरी इस बिंदु पी की इस स्थिर रेखा से पर जब लंब डालेंगे तो वो डिस्टेंस आएगी, उसका रेशियो किससे बड़ा आ जाए, ई, उसकी रेशियो क्या है, ई आए, और उसकी वैल्यू किससे बड़ी आए, एक से बड़ी आए, तो ये पी का जो लोकस होगा, जो बिंदु पथ होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा, अति परवलय, या उसको बोलेंगे हाइपरबोला। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे, तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा, एक ऐसे बिंदु, एक ऐसे चलित बिंदु पी एक्स वाई का बिंदु पथ अति परवलय कहलाता है। क्या कहलाता है, अति परवलय कहलाता है यदि उसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी एवं एक स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात सदैव एक से अर्थात एस पी अपॉन अर्थात एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई और ई ग्रेटर देन वन। क्लियर? और जहां एस नाभि होती है और स्थिर रेखा जेड एच नियता होती है। जेड एच क्या होती है, नियता। क्लियर? तो प्यारे छात्रों, आप समझ गए होंगे कि जो अति परवलय है उसकी परिभाषा क्या होती है, कि एक ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ जिसकी किसी एक स्थिर बिंदु S तथा एक स्थिर रेखा से जो दूरियों का जो रेशो होगा, यदि वो क्या आए, एक से बड़ा आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु P बिंदु के बिंदु पथ को क्या बोलेंगे, अति परवलय हम बोल देते हैं। तो ये तो था प्यारे छात्रों हमारी डेफिनेशन अति परवलय की, और इसके ऊपर जो इसकी नाभि के कोऑर्डिनेट हैं, इसकी नियता का समीकरण है, और इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है, उसका हम अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।